नमस्कार, सनमार्ग लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति तिवारी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेखा मिश्रा, और हम आपके सामने लेकर आए हैं देश और राज्यों की दो ऐसी खबरें जो आपको जाननी बेहद ही ज़रूरी हैं। जी, झारखंड की और देश की बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या है खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की नदियों का। आपको बता दें कि झारखंड की नदियों का पानी जो है वो जहरीला हो चुका है। झारखंड की 5 ऐसी नदियां हैं जिनका पानी जहरीला हो चुका है और आपको उस पानी को पीने से बचने की जरूरत है। कौन कौन सी वो नदियां हैं, पहले हम उनके नाम आपको बता देते हैं। वो नदियां हैं गरगा, शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर, कोनार व नलकरी। इन 5 नदियों का पानी जो है वो जहरीला हो चुका है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये सर्वे किया है और इस सर्वे में पाया है कि इन 5 नदियों का पानी जहरीला हो चुका है और इन पानियों में BOD की मात्रा जो है वो अधिक हो गई है। आपको बता दें कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मात्रा जो है वो पानी में कम होनी चाहिए लेकिन इसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जहरीला जी हो गया जी 1.02 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है वो नदियों का क्या होता है कि BOD की जो मात्रा है, यानी जो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो जो है 1.02 प्रति ग्राम होनी सॉरी मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, जो कि ये जो है 4.2 मिलीग्राम प्रति लीटर बढ़ गया है। तो आप दोनों का जो ये डिफरेंस है वो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है, इस पानी में कितना जहर है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहर है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी अगर पानी में, तो आपका जो वो पानी है वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। और ये जो 5 नदियां हैं जिसकी हमने चर्चा की, ये नदियां जो है वो हर एक जिले में है, हर एक जिले से होकर के गुजरती हैं, कई सारे जिलों को पार करती है। क्षेत्र में लोग इन नदियों का पानी पी रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो नदियों का पानी ही बेसिकली पीते हैं, तो उनके लिए जो पानी है वो शुद्ध नहीं है। देखिए, हम क्या है रेखा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी झारखंड का क्या है, झारखंड में हम लोग सब जानते हैं आयरन और जिंक, ये दो चीजें जो है वो नॉर्मल जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें आयरन और जिंक की मात्रा ऐसे ही ज्यादा रहती है। ठीक है, हम लोग जो RO वगैरह इस्तेमाल करते हैं, प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत, तो झारखंड के लिए वो बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि झारखंड में क्या है, जिंक और आयरन, यहाँ का जो पानी आपने देखा होगा लाल पानी, बालू वाला जो होता है वो लाल पानी है। तो वो पानी ऐसे ही अगर आप नॉर्मली कुआं या बोरिंग से आप डायरेक्ट जो पानी हमारा आता है वो वैसे ही रहता है, उसमें जिंक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम उसको ऐसे भी पी नहीं सकते जब तक हम उसे प्यूरिफाई ना करें। लेकिन उसके अलावा ये जो पानी हम जो बात कर रहे हैं, आपको गरगा, शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर और कोनार नदी की बात हम कर रहे हैं, उसमें आयरन और जिंक के साथ साथ जो है वो BOD की मात्रा जो है वो भी अधिक हो गई है। तो वो पानी कहीं से भी पीने योग्य नहीं रह गया है, और इस बात का खुलासा किया झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है, झारखंड के लिए बड़ी खबर है, झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर है। और झारखंड क्या है, वो अभी ऐसे ही हम मॉनसून ने दस्तक दी है, लेकिन मॉनसून बहुत ही लेट आया है, जहाँ पे ऐसे ही सुखाड़ घोषित करने की लगातार, अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें लगातार विपक्ष ने भी मांग की है और सरकार ने भी कहा था कि अगर 31 जुलाई तक बारिश नहीं होती है तो झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पानी की ऐसे ही बहुत दिक्कत है। और इन सब के बीच एक नया खुलासा जो है वो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया है, तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है, विचलित करने वाला है कि जो नदियां हैं उनका पानी जो है जहरीला होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या है कीर्ति, क्या इसके लिए सॉल्यूशन? देखिए, सरकार ने सैंपल भेजे हैं इन सभी पानियों का, क्या है कि सरकार ने सैंपल भेजा है, अभी इसकी टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग के बाद ये बात सामने आएगी कि इस पानी को पीने योग्य कैसे बनाना है। क्योंकि एक तो यहाँ ऐसे ही पानी की किल्लत है, उसके अलावा आप समझ सकती हैं एक नहीं बल्कि 5-5 नदियों का पानी जो है वो अचानक से ऐसे जहरीला हो जाना, आप उसको पीने योग्य नहीं कर सकते हैं। 5 नदियां कई जिलों को जोड़ती हैं अपने आपस में, कई जिलों को आपस में जोड़ती हैं और कई गांव जो है वो इन नदियों पर डिपेंड है पीने के पानी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, पानी की घोर किल्लत है और इसके लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है नदियों के पानी पर डिपेंड रहने के अलावा। देखिए, तो जो शहरों में क्या होता है, शहरों में लोगों के पास जो डीप बोरिंग की व्यवस्था है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डीप बोरिंग जो है वो 1-1.5 लाख एक पैसे ही मैटर करता है, पैसे से ही होता है। तो बड़ी बड़ी जो ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं जो आजकल डीप बोरिंग पर डिपेंड हैं, और लेकिन गांव में क्या है, गांव में लोग हैंडपंप पे डिपेंड होते हैं, कुएं पे डिपेंड होते हैं, बोरिंग वगैरह की बात की, डीप बोरिंग है, इसके अलावा घर में कैंट RO लगा हुआ है, व्यवस्था है, लेकिन गाँव का क्या है कि उनके यहाँ पे
कुआं और नदी, इन्हीं दो चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, लेकिन वहाँ आर ओ की व्यवस्था नहीं होती। बेसिकली गांव, जो टिपिकल गांव की हम बात कर रहे हैं, या फिर देखिए कई सारे डैम आपको याद होंगे, जैसे कि हजारीबाग का छड़वा डैम याद होगा, ये सब बहुत सारे ऐसे डैम हैं जहाँ जिसका पानी जो है वो एक तो जलस्तर ऐसे ही नीचे हो गया है गर्मी की वजह से, उसके अलावा जो भी पानी है वो गंदा पानी है, वो पीने योग्य नहीं है। लोग उसको ला रहे हैं, छान रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उसमें जहर नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, उसमें जहर नहीं है। लेकिन ये जो पांचों नदियां हैं, इनका पानी तो कम है ही, साथ ही साथ अब ये जहरीला हो चुका है। मतलब ये इन पानियों का जो स्रोत है, क्योंकि कई सारे कुएं जो हैं जिससे ये जुड़े हैं, कहीं कहीं ये पानी जो जुड़े हैं, तो अब वो जाहिर सी बात है कि अगर गांव वाले कुएं से भी पानी ले रहे होंगे, जहां जहां इसका स्रोत है, इन नदियों से भी पानी जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो जहर बन चुका है। तो वो पीने योग्य क्या, वो नहाने योग्य भी अब नहीं रहा है। और इस खबर को उठाने का हमारा मकसद यही है कि हम अपने मैसेज को जनता तक पहुंचा सके, कि जनता इसके बारे में जागरूक हो कि ये जो पांच नदियां हैं, एक बार फिर से हम नाम दोहराना चाहेंगे, गरगा, संख, स्वर्णरेखा, दामोदर, झुमार, कुनार व नलकरी नदी। तो आप इन नदियों के पानी से कुछ समय के लिए थोड़ी दूरी बना के रखें, थोड़ी सतर्कता अपनाएं, ताकि आपको जल्द अभी रिपोर्ट में खुलासा होगा कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है, और ये मीन्स चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए बहुत सारे अखबारों ने भी कुछ कुछ छापा है, जैसे मैं आपको अगर डिटेल बता दूं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि झारखंड की नदियों का जो पानी है वो जहर बन चुका है, कौन नदी कहाँ है प्रदूषित, क्या है मानक, इन सभी की बात जो है वो बताई गई। जैसे कि गरगा नदी की बात है, तो ये गरगा नदी जो है वो तेलमच्चो ब्रिज पर है, 4.2 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है वो बीओडी होना चाहिए, लेकिन 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। बीओडी का जो मानक है वो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, लेकिन ये 4.2 मिलीग्राम प्रति लीटर बीओडी है, मतलब ये पानी जो है वो साफ नहीं है। जी हाँ, जो नदियाँ हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहर उगल रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर इन पानी का जो जहरीला हुआ उसकी वजह क्या है। हाँ, तो उसे सैंपल लेकर भेजा गया है टेस्टिंग के लिए, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आई है, उस पर किसी भी तरह का टिप्पणी करना या अपने आप से किसी तरह का खुलासा करना सही नहीं रहेगा। हमारा मकसद बस यही है कि आप सतर्क रहें इन नदियों के पानी को पीने इस्तेमाल करने से और पीने से बचे। तो मकसद हमारा यही था इस खबर को आज उठाकर आगे बढ़ाने का। जी। उसके साथ ही एक दूसरी एक खबर भी है जो हम आपको बताते हैं, वो देश की खबर है। रमा देवी जो है उन्होंने मांग की है कि जो आजम खान है सांसद, उन्हें जो है वो अविलंब निलंबित किया जाए। हम आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। भाजपा सांसद है रमा देवी, हम आपको बता दें। और आजम खान पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कीर्ति, जो इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले चुनाव के टाइम भी जया प्रदा ने भी उन पे आरोप लगाया था। क्या है पूरा मामला, पहले हाँ ये समझने की जरूरत है, क्या है कि जो लोकसभा सत्र भी चल रहा था उसमें रमा देवी, ओम बिरला जो की अध्यक्ष है, उनकी जगह पे रमा देवी को उपाध्यक्ष के तौर पे थी वो वहाँ पे सत्र के दौरान। तो तीन तलाक जो विधेयक है वो हालांकि पारित हो चुका है, लेकिन जब उस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो आजम खान ने रमा देवी पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो बौखला गई। और जैसे ही ओम बिरला वापस आए और अपनी कुर्सी उन्होंने संभाली, तो उन्होंने अविलंब उन्हें हटाने की मांग की। ये कोई पहला मामला नहीं है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि और भी कई पहला मामला नहीं है। इसके पहले चुनाव के दौरान भी उन पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। यहाँ पे बात ये है कि अब अगर सदन के अंदर ही, एक तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन हाँ इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, नहीं होगा कि सदन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इसमें निकल के यही आ रहा है कि जब सांसद विधायक के लिए अभद्र खुद ही अभद्र टिप्पणी करेंगे, जनता जो है वो क्या सीख ले रही है, सोचने वाली बात है। हाँ। और आजम खान पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। कई लोग मांग भी कर रहे हैं, भी उन्होंने कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं एक सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहां से ये उचित है कि वो महिलाओं के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल करें। तो खबर बहुत बड़ी है, देश से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं देश के लोगों को इस खबर को जानने मामला मुझे लगता है यही नहीं रहेगा, मुझे लगता है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि सभी महिला सांसद जो है वो एकजुट हो रही है, चाहे वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, क्योंकि कोई भी महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कीर्ति सबसे एक जरूरी बात ये भी है कि
ट्रिपल तलाक पे चर्चा हो रही थी। और हम दर्शकों को बता दें कि ट्रिपल तलाक की जब भी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग कुछ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन हम एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये एक ट्रिपल तलाक जो है ये एक कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने के लिए है। जब जब हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में जब भी ऐसे कोई धर्म जो नारी के सम्मान के खिलाफ होते हैं तब तक उस पर आवाज़ उठाई जा चुकी है। अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा को ख़त्म किया गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। बाल विवाह खत्म किया गया तो हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया गया। तो ये चीज़ मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझने की जरूरत है कि हम समुदाय के इस्लाम के खिलाफ नहीं है, सरकार जो है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, वो महिलाओं को एक सम्मान दे रही है। लेकिन यहाँ पे मैटर ये है कि जब आप ट्रिपल तलाक पे जो चर्चा हो रही थी तो ट्रिपल तलाक को तो हम साइड कर दें क्योंकि उस पर चर्चा हो रही थी, वो विधेयक पारित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मामला ये उठता है कि आजम खान ने जो है रमा देवी पे इस तरह की टिप्पणी की, क्यों आखिर किस क्या बात उन्हें बुरी लगी, इस तरह की जो बौखलाहट है वो क्यों? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं वही आपको क्लियर कर रही हूँ कि बौखलाहट सिर्फ इस जो ये जो ट्रिपल तलाक है ना, चर्चा इस पे हो रही थी और बौखलाहट आजम खान को इसी टॉपिक को लेकर आया। आपको जनता ने चुनकर भेजा है सदन में ताकि आप जनता की समस्याओं को रख सके, जनता के लिए आप अपनी आवाज उठा सके। लेकिन आप ही अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे किसी महिला पर तो जो आम जनता है वो क्या सीखेगी? जी, और कई ऐसे नेता और मंत्री होते हैं कई को लेकर के महिलाओं को अपमानित करना ये कहीं से सही नहीं। कई नेता और मंत्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के बहुत सारे के आइडल बॉलीवुड स्टार हैं, तो बहुत नेता और मंत्री को भी बहुत लोग अपना आइडल मानते हैं उनके कामों से। लेकिन जब अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और एक महिला पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे तो वो कहीं से भी वाजिब नहीं है। कोई भी महिला चाहे वो पक्षी हो विपक्षी हो बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़ा सही मतलब मुद्दा उठाया यहाँ पे। तो एक सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव के समय ही आजम खान ने एक अभद्र टिप्पणी उनके बेटे ने भी की थी। जी, बेटे ने भी की थी, लेकिन उसके बाद भी आजम खान जो है चुनाव जीतते हैं, हारते हैं। तो क्या आप इसमें क्या मानती हैं कि जनता? देखिए क्या होता है कि बहुत बार जब हम वोट देने जाते हैं तो आप ये चीज साइड कर दीजिए कि बीजेपी कांग्रेस लोजपा सपा जो भी है आप उन सब चीजों को साइड कर दीजिए। बहुत बार क्या होता है बहुत लोग इमोशनली वोट देते हैं कि हमारे बिल्कुल हमारी फैमिली जो बहुत लोग कम्युनिटी के आधार पे वोट देते हैं। तो हमें ये चीज़ बोलना अच्छा नहीं लग रहा बट ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी को भी सदन में चुनकर भेजते हैं चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, अगर आप किसी भी नेता को मंत्री को चुनते हैं तो उसके काम को देखें, ना कि आप इमोशनली वोट करें, ना कि आप जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी मुझे कि मैं इस कम्युनिटी का हूं तो अगर वो जो नेता है वो मंत्री है उसी कम्युनिटी का है वो उस क्षेत्र से खड़ा हुआ है तो मैं उसी को वोट करूंगा। नहीं, आप उसके काम को देखें उसकी जबान को परखें। जी मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर अवेयरनेस के लोगों में काफी जरूरत है। ज्यादातर लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं कीर्ति, कि जिस कम्युनिटी के वो बिलोंग करते हैं उसी कम्युनिटी को वो वोट देते हैं और एक अच्छा प्रत्याशी चुनने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो इमोशनल वोट देने से बचे। लेकिन खैर हम बात यहाँ पे वोटिंग की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आजम खान, हम आपको यही बताएंगे कि रमा देवी ने मांग की है, अब देखते हैं उनकी मांग पूरी होती है या नहीं। लेकिन आजम खान के लिए ये संदेश है कि उन्हें इस तरह की जुबानी जंग से जो है वो बचने की जरूरत है, नहीं तो उनके आगे के भविष्य के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक महिला सांसद, एक महिला विधायक या एक आम महिला भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।